खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और आगामी दिनों में एचटेट का पेपर भी आ रहा है, तो आज शाम को मुख्यमंत्री जी और मैं बैठकर उस पे भी चर्चा करेंगे कि जो हमारी दोनों की मिलकर प्राथमिकता थी, जिस लड़ाई को हम लेकर आगे बढ़े कि 300-300 किलोमीटर बच्चों को ना ट्रैवल करना पड़े, उसके लिए जॉइंटली अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से कदम उठाया जाए कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है, क्योंकि अभी अलॉटमेंट नहीं हुई, तो उसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आग्रह करके जो ये 300 किलोमीटर की प्रथा थी, इसको समाप्त करने का हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा हरियाणा प्रदेश के आम जन तक जितनी भी सुविधाएं हैं, मजबूती के साथ उनको हम पहुंचाने का काम करेंगे और हरियाणा को एक नए पथ पर मिलकर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कमेटी का गठन किया जाएगा, उस रिपोर्ट के अनुसार आगे काम किया जाएगा। आज आप दोनों तो चर्चा करेंगे, उनका कहना है कमेटी भी बनाई जाएगी। बिल्कुल, मैंने भी वही कहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर दोनों पार्टी के घोषणा पत्र के जो कॉमन एजेंडाज हैं, जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडाज हैं या जो यूनिक एजेंडाज हैं, उनको प्राथमिक तौर पर कैसे जॉइंटली प्रदेश की सरकार प्रदेश के हित में लाने का काम करेगी, उसके ऊपर एक कमेटी गठित करी जाएगी टाइम बाउंड तरीके से, जो अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी करा पाए और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए दोनों पार्टियों की जो घोषणाएं थी, जो वादे थे, उनको हम पूरा। चलो, इसका मतलब संजय राउत जी को दुष्यंत चौटाला तो पता है कौन है, और मेरे पिताजी जेल में आज से नहीं, पिछले 6 साल में। संजय राउत जी ने कभी उनके हालचाल के बारे में नहीं पूछा, और ना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अपनी सजा का टेन्योर पूरा करने से पहले आएंगे। एक पिता के लिए खुशी की बात होती है, त्योहार का दिन भी था और एक खुशी का पर्व भी था। मैं संजय जी को कहूँगा कि इस तरह के बयान की वो जो बात करते हैं, उससे कोई उनका कद बढ़ता नहीं है। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से चल रही है। हमारी पार्टी का गठन हुए तो 11 महीने हुए, और 11 महीने के सफर के अंदर हमें बारी बारी किसी को धोखा देकर, किसी से लड़ाई लड़कर या इस प्रकार से आगे पीछे हटकर दर्रा धमकाकर आगे बढ़ने की मंशा नहीं है। ईमानदार राजनीति को आगे लेकर चल रहे हैं, और ईमानदार राजनीति के तहत जैसे 11 महीने में हमने काम किया है, आगामी 5 साल भी प्रदेश के हित के लिए उसी तरीके से। वहाँ सीएम पोस्ट चल रही है, सीएम पोस्ट के लिए ना तो मैं महाराष्ट्र का संविधायक हूँ, ना हमारी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर है। जो भी महाराष्ट्र का निर्णय होगा वो बीजेपी का, आगामी दिल्ली के चुनाव में क्या रणनीति होगी, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी निर्णय होगा महाराष्ट्र में क्या करेगी। हरियाणा प्रदेश की बात है, हरियाणा प्रदेश के हित के लिए दोनों दल मिलकर। कैबिनेट मिनिस्टर के लिए आपकी पार्टी से कुछ नाम चल रहे हैं, आपको कब तक फाइनल करना है? अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि कैबिनेट विस्तार की चर्चा पहले सेशन के बाद करी जाएगी। कौन जाएगा, किस पे जाएगा, तो संगठन का निर्णय है। मेरे ख्याल से आप जैसे साथियों का निर्णय तो नहीं होगा, तो ये हम पे छोड़ दीजिए। दोनों पार्टी जितने भी कैबिनेट में साथी आएंगे, जितने MOS बनेंगे, मिलकर उस पर निर्णय करेगी, और ओथ होगी उससे पहले आपको नाम भी दे देंगे और आपको इनवाइट भी करेंगे शपथ ग्रहण में। आज दिल्ली इकाई ने आपका स्वागत किया है। अतीत की बात करें तो आप लोग दिल्ली में चुनाव भी लड़े हो, विधायक भी रहे, नजब करते हम बात करें भरत सिंह, क्या दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी अब आपकी कुछ रणनीति इस तरह के जो जेजेपी की दिल्ली का? आज बहुत जल्दी है, दिल्ली प्रदेश इकाई का गठन हरियाणा प्रदेश इकाई के साथ साथ किया गया था। ओम प्रकाश शेरावत जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके साथ पूरी यहाँ यूनिट खड़ी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि दिल्ली आगमन पर उन्होंने स्वागत किया। आगामी चुनाव में क्या कदम रहेंगे, कैसे चुनाव को लड़ा जाएगा, इसके ऊपर पार्टी संगठन दिल्ली प्रदेश की बैठक बुलाकर उस पर, क्योंकि मैं दिल्ली का प्रभारी भी हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम बैठ कर उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन भी तय करेंगे। दुष्यंत जी, एक आपने आज ट्वीट भी किया था अपने राजपाल डेविड के ऊपर। मैं आपको राजपाल के साथ साथ एक साथी, अरे वो नानी वाला धर्मेंद्र आया हुआ है, लेके आना उसको। ऐसे कई साथी है, जैसे राजपाल डेविड है, एक ये साथी आया हुआ है धर्मेंद्र, एक असंत से है प्रकाश, जिसने 14 साल हो गए जूते नहीं पहने। मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों की तपस्या थी जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। ये वो साथी थे जिनने पहले, आजा धर्मेंद्र थोड़ा सा साइड दे दे,
अब ये धर्मेंद्र है, इसने ये त्याग लिया था, जब तक राज नहीं आएगा तो मैं बाल नहीं कटाऊंगा। तो मैं मानता हूँ हमारे से ज्यादा इन लोगों का त्याग है जिनने प्रदेश के अंदर अपने आप में संगठन को निर्णय दिया। और मैं तो चाहूंगा आज आप लोग इसके साथ जाए जब ये अपने 14 साल की प्रतिज्ञा तपस्या को कटवाने का। मैं तो पहले दिन से बोलता हूँ परिवार एक है, पार्टियां अलग है, और एक करने ना करने की बात दुष्यंत चौटाला नहीं कर सकते। जो लोग रिश्ते तोड़े बैठे हैं पहले उनको पूर्ण विचार करना। सुशांत जी सरकार में पहला फैसला कदम क्या उठाएंगे? सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हरियाणा प्रदेश के रोजगार के अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की हो। मैं एक युवा हूँ 31 साल का, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हित की लड़ाई को मैं मजबूती से लड़ूं। किसानों के लिए क्या कैबिनेट की बैठक के बाद, क्योंकि ये कैबिनेट का डिसीजन नहीं होगा, ऑटोनोमस बॉडी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कैबिनेट उनको रिक्वेस्ट कर सकती है, उनको गाइडेंस दे सकती है, आगे कैसे कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो तो आज शाम के बाद ही। दुष्यंत जी झज्जर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बैठे हुए काफी दिनों से, आप उनसे मिले भी क्या? मैं भी जाके आया था, बड़ा टेक्निकल सा मामला है, मगर बिल्कुल आगामी दिनों में जैसे जैसे मिनिस्ट्री डिवाइड होंगे, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतराल आता है और उसके साथ साथ क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है, दोनों के अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी और मैं मिलकर चर्चा करके आगे का कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे कि जिन बच्चों ने 40-40 लाख रुपए जमा करा रखे आज तक उनको उनकी डिग्रियां क्या उचित शिक्षा नहीं दी जा रही, तो उसके ऊपर मैं तो जाके आया था, वो बहनें रोने लगी थी। एक युवा साथी है वो तो एडमिटेड था, तो मेरे को मैसेज करता रहता था। बिल्कुल उनकी बात को प्रॉपर तरीके से रखेंगे भी, और जो लोग उनको धोखा देकर बैठे हैं, जिन लोगों ने उनसे सिर्फ पैसे ऐंठने का काम किया है, उनके खिलाफ भी अगर सरकार की ओर से जो भी उचित डिसीजन होगा एक्शन वो लिया। किसानों के लिए क्या कदम उठाने वाले?